मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप सभी का एडवांस पब्लिक स्कूल की लाइव क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम सब LKG क्लास की हिंदी की बुक का पहला पाठ करेंगे, ठीक है। हमारा जो पहला पाठ है उसका नाम है कलम। आप ध्यान से देखें, आज हम कौन कौन से वर्ण सीखेंगे। शिक्षण बिंदु हमारे आज कौन कौन से होंगे, ए जिसे ए अनार बोला जाता है, आ आ आम कहते हैं जिसे, ये आ की मात्रा होती है। आगे है हमारा कै, ले, मैं, रे और ने। आज हम इन्हीं वर्णों को सीखेंगे। अब देखें, यहाँ पर जो फिगर दिखाई गई है, ये चित्र किसका है, अनार का। यहाँ पर क्या लिखा गया है, अनार। अब ये कैसे हमने जोड़कर बनाया है, पहले हमने लिखा है ए, ने, आ, रे, क्या बन गया, अनार। आगे है हमारा आम, ए फिर आ की मात्रा और मैं, आम। अगला है हमारा मकान, मैं का न। आ की मात्रा जो है इसे हम अलग नहीं बोलेंगे, एक साथ जोड़कर बोलेंगे, नहीं तो शब्द जो है आपको लंबा महसूस होगा। और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ इनको, आप भी मेरे साथ साथ बोलो, मैं के आ न मकान, न ले नल, ये क्या है हमारा, नल। और ये क्या है, मकान। मकान किससे बना है, मैं का न मकान, और नल किससे बना है, न ले नल, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है कौन कौन से शब्द, वो जो हमारे ऊपर शब्द थे उनके साथ हम आ की मात्रा जो है हमारी उसको जोड़कर और शब्द नए शब्द बनाएंगे। सबसे पहले हमारा शब्द कौन सा होगा या वर्ण देखो, सबसे पहले है कै, फिर ले, मैं, रे, ने, ए। अब इन सब के साथ जब हम आ की मात्रा को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, का, ला, मा, रा, ना और आ। आप सबको जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है। अब नीचे देखो, ये आ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं, इनको हम बोलेंगे ऊंची आवाज़ में, ज़ोर ज़ोर से बोलना है सब बच्चों को मेरे साथ। चलो बोलते हैं, सबसे पहले क्या है, आ मैं, आम, का मैं, काम, न ले, क्या बना, नल, ना मैं, क्या बना, नाम, दा मैं, दाम, का न, क्या बना, कान, ना के, नाक, मा ले, माल, ला ले, लाल। ये जो देखो ले के बाद जो ये लाइन खींची गई है, ये किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। आप सबको याद करना है, ध्यान रखना है कि आज हम कौन सी मात्रा कर रहे हैं, आ की मात्रा। अगला हमारा आता है अक्षर ग, आ, ले, गाल। या अब हम इनको आ की मात्रा को बिल्कुल एक साथ बोलेंगे, का ला, काला, ना ला, नाला, मा ला, माला, मा मा, मामा, ना ना, नाना, ए ना रे अनार, के मै ले कमल, के ले मैं कलम, ने मैं के नमक, के दे मैं कदम। देखो इस लाइन में ऊपर वाले अक्षर को छोड़कर नीचे जितने भी शब्द अक्षर हैं या शब्द हैं हमारे, वो सब अ की मात्रा वाले नहीं हैं, तीन अक्षरों के शब्द हैं, ठीक है। आगे है हमारा के मै रा कमरा, के मै ला कमला, के मा ने कमान, मैं का ने मकान, स मा ने समान। अब हमारा जो है, आप
ये बोलने के बाद दोबारा से वीडियो चलाकर ये शब्द घर पर अपने दोबारा से याद करेंगे और बोलेंगे, ठीक है। बोल बोल कर आप सभी को ये याद करने हैं। अब नीचे देखो, यहाँ पर नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करें। आप सबको अपनी जो नोटबुक है, कॉपी है, उसके अंदर यहाँ पर ये जो जितने भी वर्ण दिए गए हैं इन सबको उतारना है और जैसे यहाँ पर लिखा गया है सेम वैसे ही लिखना है। आप इनको लिखने में अपने पेरेंट्स की सहायता ले सकती हैं, ठीक है। आपको अपनी कॉपी की एक उसमें एक लाइन में चार बार लिखना होगा एक वर्ण को, जैसे एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। एक लाइन में चार बार लिखना है। अब सबसे पहले क्या है, ए। कैसे लिखते हैं हम ए को, ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, आ। आ को भी पहले हम जैसे कि हमने ए बनाया था वैसे ही बनाकर इसके पीछे लगा देंगे मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा, आ। उसके बाद हमारा नंबर आता है कैसे कबूतर का, किसका नंबर आता है, कै कबूतर का। पहले सीधी लाइन खींचेंगे फिर इसको ऐसे करके यूँ घुमाकर यूँ बनाना है, ठीक है। ये क्या है, कै, कैसे कबूतर। अब नीचे आता है हमारा कै के बाद ल, जिसको हम ल लट्टू बोलते हैं। सबसे पहले सीधी लाइन खींचनी है फिर एक तिरछी लाइन खींचेंगे, टेढ़ी लाइन खींचेंगे और इसको ऊपर से घुमाकर ऐसे लेकर आना है और ऊपर लाइन ज़रूर खींचेंगे, इसे शिरा रेखा कहते हैं, ठीक है। ये क्या बोला जाएगा, ल। अगला आता है हमारा मैं मच्छी या मैं मछली। मैं मछली को देखो कैसे बनाएंगे, सीधी लाइन खींची फिर इसको ऐसे मोड़ा घुमाया और ऊपर से इधर बनाया, ठीक है। आप सभी बच्चे ये लाइन से बाहर नहीं करेंगे, इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है लिखते समय, आपको अपनी लाइन के अंदर ही पूरा लिखना है और दो लाइन छोड़कर आप काम करेंगे, ठीक है। आगे आता है र, र रस्सा। हमारा जो आखिरी जो वर्ण है वो क्या है, नैनल। क्या है, नैनल। समझ में आया आपको। अब हम अपना अगला काम देखते हैं, हमें क्या करना है, अपनी बुक का नेक्स्ट पेज खोलते हैं। यहाँ पर देखो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के अधूरे नाम को पूरा करना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, न आ। कहिए किसकी आकृति बनी हुई है, नाक की बनी हुई है ना, जोर से बोलो किसकी आकृति है, नाक की, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है न आ, तो यहाँ पीछे क्या आ जाएगा, कै। क्या लिखेंगे, कै, न आ कै, नाक। क्या बन गया, न आ कै नाक। ये बनी हुई है हमारी चित्र जो है माला का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मै आ ल आ। क्या बन गया, माला, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मकान लिखा हुआ है तो इसके बीच में यहाँ पर मैं लिखती हूँ, बीच में नहीं आएगा, कैसे लिखेंगे, मैं कै आ न मकान, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे क्या है, ये सब भी आप अपनी कॉपी में नोट करोगे, जहाँ पर हम वो वर्ण लिखेंगे उसके नीचे ही हमें ये शब्द लिखने हैं। अब ध्यान से देखो नंबर 6 पर क्या है, घड़े में से वर्ण एवं मात्रा को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ और नीचे लिखें, जैसे न ल नल, क ल मै कलम, ठीक है। दो वर्णों वाले शब्द पहले हमें बनाने हैं, आप यहाँ से कोई भी जो भी इसके अंदर वर्ण दिया गया है वो दो अक्षरों वाले हम शब्द लिखेंगे। जैसे पहले हम लेते हैं मैं, क्या लिखेंगे, मैं। उसके बाद लेते हैं ने, अब मैं ने, क्या बना, मन, मैं ने मन, ठीक है। अब अगला क्या लिखेंगे, कै, सॉरी, अब अगला हम हमारा जो वर्ण है वो लेते हैं क्या, कै, कै, और इसके साथ लिखेंगे र, कै र कर, कै र
कर, ठीक है। अब नीचे हमें बनाने हैं तीन वर्ण वाले शब्द, तीन वर्ण वाले शब्द। अब हमें तीन वर्ण छाट कर नीचे शब्द बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, हम अपने आप से बनाकर देखते हैं। ए थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, देखो ए ने आ रे, क्या बन गया, अनार, ठीक है। अब अगला क्या लिखेंगे, तीन अक्षरों वाला के ले मैं, कलम, क्या बन गया, कैल मैं कलम, ठीक है। अब नीचे देखते हैं क्या है, अगला पेज पलटते हैं हम अपना। यहाँ पर देखो बच्चों, यह वह क्या है, ठीक है, यह वह कलम है। अब हमें ये पता करना है यह और जो वह शब्द है इनका क्या अर्थ होता है, किस चीज़ के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं और किस चीज़ के लिए वह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप सबको मेरे साथ साथ बोलना है। देखो यह कलम है, सारे बच्चे बोलो यह कलम है। ये जो चित्र बना हुआ है किसका चित्र है, ये कलम का। दोबारा से बोलेंगे यह कलम है। अब यहाँ पर इस साइड क्या लिखा हुआ है, यह आम है। ज़ोर से बोलेंगे सभी बच्चे, यह आम है, ठीक है। अब जो वस्तु हमारे पास होती है उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या कहें, क्या करेंगे, जो वस्तु हमारे पास होती है उसके लिए हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फिर से बोलेंगे यह मकान है, दोबारा से बोलो यह मकान है, ठीक है। अब इनको आराम आराम से कैसे बोलेंगे, आप जब पढ़ के देखोगे तो ऐसे बोलना है, यह है, यह है कैमरा, कमरा है, यह है कमरा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, मैं इनको बोलती हूँ और आप सभी को मेरे साथ साथ इनको दोहराना है, ठीक है, बोलना है। यह कलम है, बोल रहे हैं आप सभी, यह कलम है, यह मकान है, ज़ोर से बोलें यह मकान है। अगला है हमारा यह अनार है, यह क्या है, यह अनार है। अगला है यह कान है, यह कमरा है, ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं हमारा क्या आता है, दूर की वस्तुओं के लिए। देखो मैंने ऊपर आपको बताया था जो वस्तुएं हमारे पास होती हैं उनके लिए हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वस्तुएं हमसे दूर होती हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वह। जब हम किसी चीज़ की ओर या किसी वस्तु की ओर इशारा करते हुए कहते हैं वह एक कुर्सी है, वह एक पंखा है, ठीक है, वह एक मेज है, तो वो क्या है, वो हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है, ठीक है, और उसकी ओर संकेत करते हुए बताते हैं। अब यहाँ पर लिखा है दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए अध्यापक वह है वाक्यों का अभ्यास करें। देखो सबसे पहले अब मैं जो बोलती हूँ वो आपको साथ में बोलना है, फिर से वह कलम है। अब वह कलम का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर वह जो कलम है वो हमसे दूर है, अगर वो हमारे पास है तो हम क्या बोलेंगे, यह कलम है, ठीक है, लेकिन अगर हमसे वो दूर है तो क्या बोलेंगे, वह कलम है। वह मकान है, आप सबको मेरे साथ साथ बोलना है, वह अनार है, वह कमरा है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है और साथ के साथ बोलना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखाया गया है, एक कलम है, ठीक है।
अब मैं बोलती हूँ यह क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बोल के बताओ ज़रा। हाँ, यह कलम है। क्या है ये? कलम है। अब अगला प्रश्न फिर से मैं पूछती हूँ, वह क्या है। अब ये देखो, ये कलम जो है हमारे पास में है, ठीक है, इस वाक्य के पास में है, लेकिन ये जो नल है ये क्या है, इस वाक्य से बहुत दूर दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम यह नहीं प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, वह। तो अब बताओ वह क्या है, क्या है ये, आप सभी को पता है। वेरी गुड, यह एक नल है, तो बोलो वह नल है। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका होमवर्क क्या होगा, आप सभी को यहाँ पर नीचे देखें, क मैं न र ल ए आ और आ की सहायता से अन्य शब्द बनाने हैं, ठीक है। आ की मात्रा लगाकर आपको अपने आप से अन्य शब्द बनाने हैं, कम से कम आप 20 शब्द बनाओगे अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। यह आपका आज का होमवर्क है। आगे की जो क्लास होगी हमारी, जो अगला जो हमारा पार्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।